अस्सलाम वालेकुम तो आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की ख़िदत में हाजिर हूँ और आज मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ किताबें सजेस्ट करूँ स्पेसिफिकली फ्रॉम फिक्शन राइटिंग्स तो फिक्शन राइटिंग का सजेशन uh, मैं इसलिए आज देने जा रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जो है जिनके राइटिंग्स और नाट अप टू द मार्क और वो अपने अपने राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दे शुड रीड फ्रॉम द लिस्ट वि आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू तो फ़िक्शन और नॉन फिक्शन प्राइमरलीस इसके ऊपर बात करते हैं कि क्यों फिक्शन ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कंपेयर टू तो नॉन फिक्शन फ़िक्शन की राइटिंग आपको एक लिटरेरी टेस्ट देता है फ़िक्शन के राइटिंग में आपको फिगर्स ऑफ आप स्पीच मिलते हैं एंड राइटिंग का एक रियल एसेंस आपको नज़र आता है इसमें कंपेयर टू तो नॉन फिक्शन नॉन फिक्शन के जितनी भी बुक्स है दे आर अपन आउट दे आर अफन रिटन बाई अदर्स और जिसमें सिर्फ मेन जो अतर होता है इसका नॉलेज होता है बाकी चीज़ एक दूसरे लोगों से लगवाई जाती है प्रडामिनटली uh, ये एक केस होता है बाकी कभी कभार खुद भी लिखी जाती है लेकिन जो एक लिटरेरी टेस्ट आपको मिलता है वो फ़िक्शन में ज़्यादा मिलता है और फिक्शन के रॉटिंग्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी राइटिंग में भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगा एक सबस्टेंसिव इंप्रूवमेंट आप देखेंगे कि आपके राइटिंग में आ जाएगा तो आज कोशिश करते हैं मैं आपको चंद फिक्शन रॉटिंग्स सजेस्ट करूँगा आज प्राइमरली मैं आपको पाँच फिक्शन के राइटिंग्स सजेस्ट करूँगा तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और इन्जॉय करिएगा तो जो पहला किताब मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो है 1984 एटी फोर बाई जॉर्ज औरवेल और ये किताब जो है बेसिकली अबाउट ए टोटलीटेरियन स्टेट के बारे में है एक डिक्टेटोरियल स्टेट के बारे में है जिनमें जिसमें फ़्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जाता है और इसमें जो राइटर होता है वो कोशिश ये करता है कि इस सोसाइटी का एक पोर्ट्रेट हमें पेश करे तो वो इस्टेट जो बेसिकली है इट इज़ डोमिनेटेड बाय अ बिग ब्रदर जब आप टीवी ऑन करते हो तो आपको बिग ब्रदर नज़र आता है जब आप सड़क पर निकलते हो तो आपको पोस्टर पर बिग ब्रदर की पोस्टर नज़र आती है इवन बिग ब्रदर ने रिलेशंस ओपन रिलेशन रखने पर भी पाबंदी आयद की होती है बिग uh, ब्रदर ने एक पुलिस uh, डिज़ाइन की होती है जो कि जिसे कहा जाता है थॉट पुलिस जब आप गवर्नमेंट के बारे में गलत सोचते हो तो आपको पकड़ा जाता है uh, इस स्टोरी में एक सेंट्रल कैरेक्टर है इसका नाम है स्मिथ स्मिथ का क्या में एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है uh, जोलिया और इसका एक दोस्त होता है ओब्राइन जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर होता है स्मिथ जूलिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है लेकिन वो शो नहीं कर सकता कि उनके बिग ब्रदर ने इस चीज़ के ऊपर बैन लगाया होता है तो फाइनली जूलिया प्रपोजेज हेम और जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो स्मिथ इस लड़की को अपने घुटन के बारे में बताता है कि मैं कितना तंग हूँ इस सोसाइटी में और इस सोसाइटी से मैं आ, जो है वायलेशन करना चाहता हूँ तो दे डिस्कस इट और फिर वो अपने दोस्त ओब्राइन को भी बताता है तो उसी दिन उब्राइन इसको एक किताब देता है और कहता है इसको कि आप इसको पढ़े कल इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे आ, रात को ये बंदा इस किताब को पढ़ता आ, पढ़ रहा होता है तो सडनली थाट पुलिस एंटर एंड दे टेक देम टू कस्टडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लव कहलाती है मिनिस्ट्री ऑफ लव एक डिपार्टमेंट होता है जो कि स्पेसिफ़िकली डिज़ाइन किया जाता है उन लोगों के ख़िलाफ़ के लिए जो कि बादशाह सलामत के बारे में गलत सोचते हैं तो वहाँ पर इसको बैडली प्रोसिक्यूट किया जाता है और इसका जो लव होता है इससे भी इसको भी छीन लिया जाता है तो ये पहला किताब है इट इज़ अ वेरी गुड राइटअप और आपको एक लिटरेरी टेस्ट भी मिल जाएगा इस किताब में एक स्टोरी भी मिल जाएगी और आपका राइटिंग भी इस किताब से इम्प्रूव हो जाएगा दूसरा जो किताब है वो है आ, आ, बर्निंग बाय माजुमदार मेगा माजुमदार ने ये लिखा है और ये जो किताब है इट इज़ अबाउट अ मुस्लिम वमेन जिसका नाम जीवन होता है शी इज फ्राम द सब ऑफ कलकत्ता और आ, वो वह क्या होता है कि एक दिन एक धमाका हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं तो ये औरत फेसबुक पर एक कमेंट लिखती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ने क्यों इस जो है धमाके को कंट्रोल नहीं किया और लोगों को प्रॉपरली रेस्क्यू नहीं किया तो इस कमेंट के बाद इस औरत को पकड़ा जाता है एंड शी इज़ टेकन टू कस्टडी वियर शी इज़ बैडली प्रोसिक्यूटेड और इसको बाद में तो साबित किया जाता है लेकिन इस एक कमेंट की वजह से इस औरत को जो है इतना प्रोसिक्यूट और इतना बैडली टॉर्चर किया जाता है तो ये भी एक बेहतरीन किताब है अगर आप रीड करना चाहते हो तो इसको भी ज़रूर रीड करिएगा तीसरा जो किताब मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है वो है होम लैंड एलिगज़ बाई अयाद अख्तर और ये किताब जो है अमेरिकन लाइफ के बारे में है कि अमेरिकन लाइफ कैसी थी नाइन अलेवन से पहले एंड क्या पेराडाइमेटिक शिफ्ट आया अमेरिकन लाइफ में आफ्टर द नाइन अलेवन इस किताब में वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट बाप के बारे में भी लिखता है कि उसने नाइनटीन में ट्रम्प को ट्रीटमेंट भी दी थी लेकिन नाइन अलेवन के बाद मुस्लिम का जो रूल था अमेरिका में वो कैसे मेटिगेट होना शुरू हो गया और लोगों के जहनों में मुसलमानों के बारे में किस तरीके से शिफ्ट आ गया मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट ब्रांड करने लगा तो इस चीज़ के बारे में तो ये भी एक बेहतरीन किताब है आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अबाउट पोस्ट नाइन अलेवन लाइफ ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स तीसरा जो किताब मैं आप लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूँ पोर्तवा किताब वो है आ, ब्रेस्ट एंड एग्स बाय माइको कवा ये एक जैपनीज़ किताब है जिसको बाद में जो था इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और ये तीन लड़कियों के बारे में है दो बहनें होती हैं और इस और एक इसकी बांझी होती है यू नो ये तीनों जो होती है ज़िंदगी के मुख्तलफ एजेस uh, में होती है और जो बड़ी बहन होती है वो दुनिया के बारे में कैसी सोचती है दरमिया वाली जिंदगी के बारे में कैसी सोचती है और छोटी वाली ज़िंदगी के बारे में कैसी सोचती है तो ये इन औरतों uh, के मुख्तलि उम्रों के बेसिस पर ज़िंदगी को देखने का के बारे में एक एक, एक जो है इंसाइट हमें प्रोवाइड करता है तो ये भी एक बेहतरीन किताब है अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो इसको भी ज़रूर रीड कर लिए कर लिएगा फोर पाँचों जो किताब मैं आप लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो है वियर द वल्ड लेडीज़ आर ये भी एक बेहतरीन किताब है ये भी एक जैपनीज़ नावल था जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इस नाले नावल में जो है आउट वर्ल्डली क्रिएशन और सुपरल नेचुरल क्रिएशन के बारे में लिखा गया है और लेकिन आ, यू नो इसमें जो सुपर नेचुरल क्रिएशन है इसको कुछ यू प्रेजेंट किया गया है कि एज़ वी आर फिटर एट सींग एंड बिलीविंग लेकिन यहाँ पर हमें एक अनसीन को बी बिलीव कर लिया गया है बिकॉज द राइटर हैज़ वेरी वेल आर्टिकुलेटेड इन दिस राइट और इस राइटअप में हमें एक इंसायर uh, दिया गया है इन एन टू सुपर नैचुरल वर्ल्ड जिसमें बेसिकली जो जापान में गोश्त के किस्से थे इनको लिंक किया गया है वुमेन के साथ के वमेन स्पीचलेस वुमेन के साथ और फिर जेंडर रूल के ऊपर और जेंडर स्टेडियो टाइप के ऊपर इस किताब में बेहतरीन लिखा गया है तो ये चंद नॉवेल्स थी जिसको मैंने आपको सजेस्ट करना था तो आप इसको बाय कर लीजिएगा और इसको ज़रूर पढ़िएगा बिकॉज uh, इसके राइटिंग्स बड़ा यूनिक है और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे तो होपफुली ने, नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊँगा और इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को पांच नॉन फिक्शन की किताबें जो कि सम हाउ व लेफ विद योर सेलेबस वो सजेस्ट करूँगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफ़